resultant. A and B. Okay. तो अगर आपको इस दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, जैसे C निकालना है, तो C के C का जो मैग्नीट्यूड होगा, वो A और B के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा, और C का जो डायरेक्शन होगा, वो A और B के रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा. तो C कैसे फाइंड करेंगे? C का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली इसका आप लेंथ फाइंड करेंगे. और C का डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? तो ये एंगल फाइंड करेंगे. ये एंगल अगर आप बता देंगे, इसका मतलब आप पता चल जाएगा कि C किधर है, क्योंकि A is known, B is known, A और B को आप जानते हो. तो A के साथ अगर कोई डायरेक्शन मिल जाएगा, इसका मतलब आपको वो डायरेक्शन मिल गया है जिस डायरेक्शन को आप जानते हो. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल. नाउ इन केस ऑफ पैरेललोग्राम, मैंने यहाँ पे एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को रखा. अगर पैरेललोग्राम मेथड में आप आते हो, पैरेललोग्राम मेथड में आपको क्या करना है, फिर से वेक्टर को आपको ड्रॉ करना. दिस इज वेक्टर ए, ये मैंने वेक्टर ए ड्रॉ करना, और वेक्टर बी को आपको ए के टेल पे ही ड्रॉ करना. पैरेललोग्राम मेथड में हम टेल पे, एक वेक्टर के टेल पे दूसरे वेक्टर के टेल को ड्रॉ कर देते हैं. इस दोनों वेक्टर का टेल एक जगह पे रख देते हैं ऐसे. तो ये हो गया आपका वेक्टर ए, और ये हो गया आपका वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है. ये दिस एंगल इज थीटा, यस दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज मीडियन एंगल थीटा. एंड यहां पे एंगल देखिए, ये वाला एंगल, ये तो आप ध्यान रखेंगे. इस तरह से पैरेललोग्राम मेथड में हम यूज करते हैं, दोनों वेक्टर के टेल को एक जगह पर रखते हैं. अब क्या करना है, अब इसको आपको एक पैरेललोग्राम का शेप देना है. यहां पे आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है इसके, और इसके पैरेलल लाइन आपको यहां ड्रॉ करना है. दिस बिकम्स अ पैरेललोग्राम. And now if you want to show the resultant, तो देखिए resultant आपके पास क्या आ जाएगा. This will be the resultant. इस तरह से आप parallelogram method में resultant ऐसे show करेंगे. This is C. ये vector C हो गया. Parallelogram method में method से अगर आप add कर रहे हैं, तो resultant को ऐसे show करेंगे. This is the resultant. And here it is the resultant. लेकिन आप अगर इस डायग्राम का सिर्फ ये वाला पोर्शन देखें, ये वाला, तो दिस इज सेम टू दिस ट्रायंगल लॉ. या फिर आप इस ट्रायंगल को पैरेललोग्राम का शेप दे दें, तो फिर आपको ये और ये डायग्राम सेम मिलेंगे. तो कहने का मतलब हुआ कि दोनों रिजल्ट सेम देगा, बट प्रेजेंटेशन का तरीका हमारा अलग है. तो यहाँ हियर ऑल्सो C is the resultant and C is equal to A plus B. Okay. Is it okay, bete? Anyone can confirm me? Yes, sir. Good. Yes, sir. Good. Very good. Now, अब हमारी responsibility क्या है? ये कि आपने जो ऐड करके वेक्टर, ये तो आपने डायग्रामेटिकली शो कर दिया कि सी जो होगा वो ए और बी का रिजल्टेंट होगा. तो सी अगर ए और बी का रिजल्टेंट है, तो सी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा. तो यहां पे मुझे अब सी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है. मैं इसके बाद लिंक भेज दूंगा, डोंट बॉदर रिगार्डिंग द मिसिंग पार्ट्स. अगर कोई चीज मिस हो जाती है आपकी, तो आप बोला नहीं. हमें C का लेंथ फाइंड करना है. ओके, तो C का लेंथ फाइंड करने के लिए मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ. मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया अलग से, ये नीचे वाले लाइन पे, और
मैं इसका नेमिंग कर रहा हूं जिससे कैलकुलेशन में मैं सुझाव दूं। आप ध्यान दीजिए, इस प्योर ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशंस जो हम करने वाले हैं बहुत ही आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। हमें सिर्फ AB का लेंथ फाइंड करना है। और गिवन क्या है? गिवन क्या है? एनीवन कैन टेल मी? गिवन है AC का लेंथ और BC का लेंथ। वेरी गुड। सम स्टूडेंट्स आर वेरी कॉन्शियस। तो आप ये बताओ AC का लेंथ कितना है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ A। और BC का लेंथ कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ B। और मैं यहाँ पे बार बार ये इतना सारा जो लाइन लगा जा रहा है ये मैं यूज ना करके सिर्फ A यूज करूंगा, ओके? और यहाँ पे B यूज करूंगा। मतलब A और B मैंने लिखा, इसका मतलब वेक्टर A का मैग्नीट्यूड और लिखा तो वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का एंगल हमें मालूम है और वो है थीटा। ये तीन चीजें मालूम है। देखिए मैं कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे AB ट्रायंगल ले रहा हूँ, तो AB स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो मैं BD को, ये BD है, BD को मैं लिख सकता हूँ BC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। तो BC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर ये मैंने लिख दिया है BD को। फिर उसी तरह से AD क्या लिख सकता हूँ मैं? AC प्लस CD, AC प्लस CD। देखिए दिस इज AC एंड दिस इज CD, तो इसको मैं लिखूंगा AC प्लस CD इज इक्वल टू AD। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया आपका BC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर CD स्क्वायर प्लस 2 AC इनटू CD। तो यहां से देखो CD CD कैंसिल हो गया, बचा आपके पास BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2 AC इनटू CD। ये हमारा AB स्क्वायर है। अब ध्यान दीजिए, हमें BC मालूम है, BC मालूम है, BC मालूम है जो B है, AC मालूम है जो A है, ओके? बट CD जो है वो मालूम नहीं है, दिस टर्म इज नॉट नोन। तो मैं देखो क्या कर रहा हूं, आप बताइए, हमें CD नहीं मालूम है, CD दिस CD। तो यहां से मैं लिख रहा हूं cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू आप जानते हो बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है आपका CD और हाइपोटेनस है आपका CB। तो यहां से मैं अगर CD निकालूं, दिस इज BC इनटू cos थीटा। तो ये वैल्यू CD का मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2 AC इनटू BC cos थीटा। और ये सारी चीजें हमें मालूम है, AB क्या चीज है? C। तो C स्क्वायर इक्वल टू, मैं इसको पहले लिख रहा हूं AB को, थोड़ा अच्छा लगता है A स्क्वायर पहले लिखिए, A स्क्वायर फिर BC को मैं लिख रहा हूं B स्क्वायर प्लस 2 AC। देखो AC क्या है? A, BC क्या है? B और cos थीटा, थीटा तो हमें मालूम है। तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गया, और इसको अब आप साउंड जिंदगी भर आप याद रखेंगे कि व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करें, ठीक? क्योंकि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, इसलिए इसको काफी आसानी से आप समझ सकते हो। तो
यहां से आपके पास मैं इसको एक बार c के टर्म्स में लिख सकता हूं, c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, और ये हमारा इस तरह से रिजल्ट हो गया। ओके, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर विजय? एनीवन कैन रिस्पॉन्ड मी? यस सर, यस सर। फिर भी मैं आपको 30 सेकंड सोचने के लिए समय दे रहा हूँ, प्लीज। हाँ, वीडियो तो मैं आपको भेजूंगा ही, लेकिन फिर भी आप देखिए 30 सेकंड टाइम में आपके पास कहीं कोई कंफ्यूजन है। हमने अभी दो वेक्टर को ऐड किया है, उसका रिजल्ट सी है और सी का हमने मैग्नीट्यूड निकाला है, सी का भी डायरेक्शन नहीं निकाला है, वो हम आगे निकाल रहे हैं। तो ये वैलिड है दोनों के लिए, पैरेललोग्राम मेथड के लिए भी और ट्रायंगल मेथड के लिए। Okay, now just we have to move further. Yeah, again. ये मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना है। तो ध्यान दीजिए, बिफोर सब्सट्रैक्टिंग टू वेक्टर्स जस्ट वी शुड हैव टू कीप समथिंग इन माइंड। सपोज दिस इज अ वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर का क्या मतलब होता है? नेगेटिव of a vector. Negative of a vector का मतलब होता है vector which has the same magnitude but exactly opposite in direction. ये vector है, ये this will be negative a. क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आई? दिस इज ए एंड दिस इज माइनस ए। याद रखेंगे बोथ द वेक्टर्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन, एक्जेक्टली अपोजिट। दिस इज बोथ के बीच का एंगल 180 है, एक्जेक्टली अपोजिट इन डायरेक्शन एंड सेम इन मैग्नीट्यूड। आप याद रखेंगे, इसको लेके हम आगे चलेंगे। नाउ सी, मैं यहाँ पे दो वेक्टर्स फिर से ले रहा हूँ और बी, और उसको फिर मैं ऐड करूंगा। सपोज दिस इज वेक्टर ए